हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पे आ रही हूँ रिटर्न आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए कार्ड्स निकालेंगे, हम ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप फुल फोकस रखिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ का कार्ड। आपके जो पार्टनर है ना, ये अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में सोचते बहुत ज्यादा हैं कि हाँ आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत ही अच्छी लेडी हो, या आप एक बहुत ही अच्छी पर्सन हो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ, ठीक, ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आपको कंट्रोल करना आता है, अपने पार्टनर को भी या फिर दूसरों को भी। कैसे कंट्रोल करना है वो आपके चुटकियों का काम है, ठीक है। आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, अगर वो ज्यादा बोल रहा है या कुछ गलत कर रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से उसको पनिश भी कर सकते हो, और उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से आप डील भी करते हो। बहुत अच्छे तरीके से डीलिंग यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड, द हैंगमैन, ओके, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड है मेरे पास सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये जो पर्सन है ना आपके, ये सोचते हैं, देखो आपके जो पार्टनर हैं, ये सबसे पहले तो यही सोचते हैं कि हाँ आप बहुत ज्यादा जो है ना यहाँ पे इनसे झूठ बोलते हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये पर्सन यही सोचते हैं कि आप इनसे झूठ बोलते हो, आप इनसे सच छुपाते हो, ठीक, जो कि इनको पसंद नहीं है। इनको ऐसा लगता है जैसे कि आपने बहुत सारी बातें छुपा के रखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें छुपा के रखी हैं जो कि इनको जाननी चाहिए थी समय के अनुसार, लेकिन आपने बताई नहीं, ठीक। तो वो गलती आपकी थी और आपने वो गलती करी है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपको लेकर के मैं कहूंगी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में है, यानी कि आपके प्रति एक जो होता है ना कि हाँ वो रूड सा बिहेवियर है ना, आपने, मुझे लगता है कि आपने बहुत रूड बिहेवियर किया है अपने पार्टनर के साथ, आपने बहुत ही रूड बिहेवियर के साथ बात किया है अपने पार्टनर के साथ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को प्रपोजल भी दिया था आपने, ठीक है, कि हाँ साथ में हम आए, साथ में हम शादी करें और लाइफ को एंजॉय करें। तो कहीं ना कहीं वो जो है ना आप दोनों के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, और आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने के साथ साथ यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टक हैं, ठीक है, यानी कि आपके लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये पर्सन आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, कोई प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं ये पर्सन, और कहीं ना कहीं उन सारे सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा चाहत है, बहुत ही ज्यादा चाहत है, पैशन काफी ज्यादा है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए, बहुत ज्यादा पैशन रखते हैं ये पर्सन आपके लिए। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव भी है, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना बहुत पॉजिटिव होने के साथ साथ, ठीक, यहाँ पे स्टक भी है। मुझे लगता है कि आपको जो है ना ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देते हैं, बार 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 जो है ना यहाँ पे यही दिख रहा है कि बार बार आपको बस यही बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे, ठीक है, हम करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं उस वजह से मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।